आजकल के क्रिकेट में थोड़ा सा एक बार पैर फिसल गया तो संभलना लिमिटेड ओवर्स में खास करके मुश्किल क्यों हो रहा है, चाहे उनकी बैटिंग हो चाहे अपनी बैटिंग हो, तो थोड़ा सा रिकवरी करना मुश्किल क्यों हो रहा है? बॉलर ज़्यादा हावी हो रहे हैं, क्या हो रहा है? मुश्किल सवाल है बहुत, पता नहीं. आई मीन जब टीम के 5-6 विकेट गिर जाते हैं वहाँ से टीमों को मुश्किल होता है. अभी देखिए इंग्लैंड ने आज उन्होंने अच्छा रिकवर किया, 150 पे 6 विकेट आउट थे उनके. उसके बाद एक थोड़ा सा पार्टनरशिप हुआ उनका और वहाँ से जाके उन्होंने 247 बनाया. आई मीन हमारे लिए भी एक ऐसा एक ये चैलेंज है, जब भी हमारे 5-6 विकेट गिर जाते हमें भी ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी कि नीचे से जाके भी कैसे रन बनाते. और ये हमारे टीम का थोड़ा सा काफ़ी लंबे समय से चल रहा था ये, और इस चीज़ पे हमें फोकस करने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपना वो बैलेंस बढ़ाएं और बैटिंग कैसे इम्प्रूव करें. क्योंकि सिचुएशन गेम का कोई कुछ भी हो, आई थिंक अगर आप अपने आप को बैक करोगे तो वो रन बनेंगे. बट ऑब्वियसली वो हमने काफ़ी टीमों को देखा है ऐसे स्ट्रगल करते हुए. बट इंग्लैंड से हम सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे बैटिंग किया, 5 विकेट गिरने के बाद भी उन्होंने 250 रन बनाए, तो हमें भी ये चीज़ हम उनसे सीख सकते हैं कि कैसे खेलना है. क्योंकि T20 हो या वनडे हो, मैच एक तरफा हुआ, इसलिए हाँ बिल्कुल. जो आई मीन लास्ट T20 काफ़ी मज़ेदार था. काफ़ी हमारे विकेट्स गिरने के बाद भी हम 20 रन से हरे, 215 उन्होंने बनाए, हम 198 के आसपास कुछ पहुँचे थे. तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा डेप्थ दिखाया, बट वो कंसिस्टेंटली हमें करना पड़ेगा. एक दो बार हो जाता है, बट आई थिंक वो कंसिस्टेंटली हम करते रहेंगे तो टीम में भी वो कॉन्फिडेंस रहेगा कि बीच वाले बैट्समैन भी खुल के खेल सकते थे. तो ये चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, और उसको ध्यान में रखते हुए हम मेहनत तो कर रहे हैं. अभी ऑब्वियसली हमें अभी तक रिजल्ट तो मिला नहीं है, बट वी होप कि आगे जो मैचेस है ये सब मैचेस से हम सीखें और आगे के मैचेस के लिए इम्प्रूव करें.